अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं आप? आज मैं आपको जिस चीज़ का रिव्यू देने जा रही हूँ वो एक स्क्रब के ऊपर है। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के स्क्रब मिलते हैं, लेकिन कुछ के ग्रेन ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ के ग्रेन ज़्यादा बारीक होते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइप के स्क्रब तो वही होते हैं जिनके ग्रेन्स नॉर्मल हो, जो स्किन को डैमेज ना करें, क्योंकि अक्सर ज़्यादा ग्रेन्स हैवी होने की वजह से हमारी स्किन पे स्क्रैच वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो चले मैं आज आपको जिस चीज़ का रिव्यू देने जा रही हूँ वो ये है, स्किन वीटा का वाइटनिंग एप्रीकॉट स्क्रब। ये हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है, स्किन को क्लीन करता है, क्लियर करता है, और ये हमारी स्किन को स्मूथ कर देता है। और ये इस पे मेंशन भी किया गया है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो इसका मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ कि ये हमारी स्किन से पोर्स को डीपली क्लीन करता है। आपने इसकी लाइट सी अमाउंट अपने हैंड पे लेनी है और सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन पे इसका मसाज करना है। तो इससे बहुत आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। प्लीज़ बैक की आवाज़ों को इग्नोर किया करें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और आप प्लीज़ इन वीडियोस को गौर से देखा करें और बैक की आवाज़ों को इग्नोर कर दिया करें। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने इसके कैसे अपने स्किन पे मसाज करना है। सर्कुलर मोशन में आप इसे मसाज करें, देन आप इसे वॉशअप कर लें। आपने इसे वीक में 2 दफ़ा यूज़ करना है। आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी, इवन हो जाएगी, और नेचुरली तौर पर आपकी स्किन क्लीन अप हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्किन के पोर्स अंदर से जब तक नीट एंड क्लीन नहीं होंगे तो हमारी स्किन वो अच्छे वाला टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इसके टेक्सचर भी चेक करवा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप का है और इसके ग्रेन नॉर्मल से हैं, ज़्यादा हैवी नहीं हैं। यूँ सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप्स के साथ आपने अपने पूरे फेस पे इसका मसाज करना है, देन आपने इसे क्लीन कर लेना है। तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी, इवन हो जाएगी, और ये स्किन के अंदर आपने इसे पेनिट्रेट करना है। लेकिन जब भी आप स्क्रब को यूज़ करें, आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि आपने स्क्रब को पानी के साथ या रोज़ वाटर के साथ ही उसका मसाज करना है। अपनी स्किन को ज़्यादा रब नहीं करना, मसाज जल्दी में करें, लेकिन आपका हैंड लाइट होना चाहिए। आपने ज़्यादा हार्ड हाथों के साथ आपने इसका मसाज नहीं करना कि आपकी स्किन पे रैश पड़ जाएं। तो स्क्रब में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन में आप मसाज करें, लेकिन आपने हार्ड वाले हाथ नहीं लगाने के आप ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर दें, रब करना शुरू कर दें और आपकी स्किन डैमेज हो जाए। तो प्लीज़ आपको इसका प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए कि आपने लाइट सी अमाउंट लेके सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे मसाज करना है, पूरे फेस पे। 5 to 4 5 मिनट इनफ होते हैं स्क्रब के लिए। तो आप 4-5 मिनट इसका मसाज करें, देन आप वेट स्पंज के साथ या आप पानी के साथ रिंस आउट कर लें, तो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी। और ये देखें, स्किन के अंदर बिल्कुल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन आपने बार बार पानी लगाना है या रोज़ वाटर अप्लाई कर लें। बहुत ज़्यादा भी आपने पानी अप्लाई नहीं करना कि स्किन पे बस पानी ही पानी नज़र आए। तो ये स्किन वीटा का एप्रीकोट स्क्रब बहुत अच्छा है, मेरे पर्सनल यूज़ में भी है, तो आप इसे ज़रूर बाय करें। इसकी प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, आप इसे बाय करें। मेरे पास तो इसका पूरा फेशियल मौजूद है, आप सेपरेट भी इसका ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।